आज का दिन हमारे लिए बहुत ही दुखद है क्योंकि कपिल भाई हमारे यहाँ से रिटायरमेंट ले रहे हैं और आज उनका आखिरी दिन है। 30 साल निरंतर वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, इसलिए आज के दिन में कपिल भाई हमारे यहाँ से रिटायरमेंट ले रहे हैं। वो मानव के रूप में हमारे लिए एक प्रेरणा है, इसलिए हम फूलों के हार से उन्हें सम्मानित करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। अच्छा, तो रिटायरमेंट का दिन आज कैसा रहा? अच्छा, खूब था। सब लोग बहुत दुखी थे, सभी ने फूलों की माला वाला पहनाई। अच्छा, पैसा वैसा कुछ दिया या नहीं? बेटा, सारी चीजें पैसों में नहीं तोली जाती है। उन्होंने मेरे लिए जो प्यार भरे शब्द कहे, दिल भर गया मेरा। बहुत अच्छा लगा मुझे। कल तक तो ऑफिस के काम करता था, पर आज से मैं खुद के काम करूँगा। खाना बन गया है, आ जाइए। हाँ चलो। देखा, फिर से शुरू हो गया इनका। पूरा दिन आपका यही चलते रहता है। अब मैं क्या करूं पिताजी का, जब देखो तो आवाज ही करते रहते हैं। अब उनकी उम्र हो चुकी है तो उनको शांति से रहना चाहिए ना। अब ये देखो, इस उम्र में भी वो एक्सपेरिमेंट ही करते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो उनके एक्सपेरिमेंट से बिजली का बिल इतना आएगा कि हम भरते भरते थक जाएंगे। अब क्या बोले? मैं क्या बोल रही हूँ, आपको तो आपके ऑफिस की तरफ से फ्लैट मिला है ना, हम वही रहने चले जाते हैं। पिताजी को जो करना है करते रहेंगे। मुझे तो वही फ्लैट में जाना है, रोज रोज का झंझट बस। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रही हो, चलो मैं व्यवस्था करता हूँ जाने की। क्यों? हाँ बेटा, तुम कहीं बाहर घूमने जा रहे हो? नहीं नहीं, आपको मैंने बताया नहीं, लेकिन हम ऑफिस के फ्लैट में शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों, क्या बात है, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है बेटा? हाँ पिताजी, तकलीफ तो है। सारा दिन आप ठक ठुक करते रहते हो, सर दर्द करने लगता है। इस बूढ़े की खाली जिंदगी में अब यही एक सहारा है बेटा। आपका सहारा आप अपने पास रखिए, हम तो जा रहे हैं, चलो। बेटा सुनो तो, मत जाओ बेटा। का इलेक्ट्रिसिटी बिल बाकी है, पैसे नहीं भरे तो लाइन काट देंगे। मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है, क्या करूं अब? क्या हुआ कि 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल भरा नहीं है? मेरे पास तो इतने ज्यादा पैसे है नहीं, अगर बेटे ने कुछ मदद कर दी तो अच्छा होगा। पैसे क्या पेड़ पे उगते? आपका बेटा आपको इतने सारे पैसे कैसे देगा, जरा सोच के देखिए। परंतु बहू, बिल भरा नहीं तो लाइन काट देंगे कहा है। हाँ तो काट दे तो काट दे, तो मैं क्या करूँ? क्या बात कर रहे हो? अब देखिए पिताजी, आप सारा दिन बैठ के वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करें और उसके बिजली का बिल लास्ट में मैं भरूँ? मेरे पास इतना पैसा नहीं है आपकी फिजूल की मस्ती के लिए, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो अपने जो शौक का खर्चा ना, आप खुद जुगाड़ कर लीजिए, आप सीधा सीधा समझ लीजिए बस। ठीक है, जब तुझे पाल पोस कर बड़ा किया तब ये सारे हिसाब किताब लिख कर रखे होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ठीक है चलेगा, आज के बाद कभी तेरे सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है, पर मेरा शौक मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता बेटा।
अभी मैं एक ऐसा यंत्र बनाऊंगा जिसकी वजह से मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पूरा शून्य आएगा। हो गया, ये तो पूरा हो गया। अब इसकी टेस्ट लेनी चाहिए। ये तो शुरू हो गया है। अब एक मिनट में इसका रीडिंग ले लेता हूँ। यूरेका, यूरेका, मैंने कर दिया, कर दिखाया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम कर दिखाने वाला यंत्र बना ही दिया। हुर्रे! सुनो भाई, जरा चाय पिलाना। अरे कपिल भैया, कैसे हैं सर? ठीक है ना आप? हाँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। लेकिन अपने हालत क्या बना रखी है अपनी? आप बहुत दुखी लग रहे हैं, लटका हुआ चेहरा, लंबी दाढ़ी। अब पूछिए मत सर, एक काम में मैं बहुत बिजी था। पर रिटायरमेंट के बाद आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं कपिल भैया? आप तो जानते ही है ना सर, मुझे यंत्र बनाने का बहुत शौक है। हाँ, वो तो मुझको पता ही है। आप ऑफिस में भी कितने टैलेंटेड थे और कितनी कितनी चीजें बनाते थे। अब नया कुछ बना रहे हैं क्या? हाँ सर, मैंने एक ऐसा यंत्र बनाया है जिसे जॉइन करके इलेक्ट्रिसिटी का बिल बहुत ही कम आता है। आपने बना दिया, मतलब एकदम रेडी है? हाँ सर, अभी एक रीडिंग किया है मैंने। बन गया है क्या? मैं एक बार देख सकता हूँ? क्यों नहीं, आइए ना, चलिए मेरे साथ मेरे घर चलिए ना सर। आपका ये आविष्कार तो एकदम माइलस्टोन है। अगर ये आपका आविष्कार घर घर पहुंच जाए तो लोगों के घरों में तो तहलका मच जाएगा। सच में तो बहुत बड़ा आविष्कार है। कपिल भैया, मैं आपसे ये आविष्कार खरीदना चाहता हूँ पूरे 50 लाख में। क्या आप तैयार हैं मुझे इसे बेचने के लिए? मैं आपको पूरे के पूरे 50 लाख दूंगा। जी, मैं मतलब जी। हाँ बोलिए ना कपिल भैया, बोलिए। मैं ये यंत्र बनाने के लिए एक फैक्ट्री भी खोलूंगा जिसका नाम होगा कपिल यशराज प्रोडक्शन फैक्ट्री। बोलिए बोलिए, आप इसे बेचेंगे ना? क्या आप 50 लाख रुपए देंगे और साथ में काम भी देंगे? अब सच कह रहे ना? हाँ हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ, एकदम सच। जी मैं राजी हूँ। पहले मैं लाइन में खड़ा हूँ, पहले मुझे मीटर चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे मीटर चाहिए, मैं आया हूँ लाइन में पहले। मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अरे मुझे चाहिए, मैं पहले आया था। अरे हाँ हाँ, सबको मिलेगा, झगड़ा मत करो, अभी लाइन पे लगो और चुपचाप खड़े रहो, समझे? सब लाइन पे लगो, शांत होके। हाँ हाँ, ये लो ये लो। क्या बात है, तुम लोग अचानक यहाँ? पिताजी, पिताजी प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। हाँ पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। हाँ गलती हो गई है तुम्हारी, बहुत बड़ी गलती। बूढ़ा होने के बाद किसी की कीमत कम नहीं होती। आए हो तो कुछ खाना वाना खा के जाओ। मोहन, देखो इनकी अच्छे से खातिरदारी करना।